राजधानी में हुआ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन और प्रदेश स्तर पर हर जिले में हो रहा है ये प्रदर्शन। वहीं जिला बलरामपुर से भी एक बड़ी खबर है कि प्रदेशीय शिक्षक संघ के नंद किशोर जो कि मीडिया प्रभारी है, उनका ये कहना है कि अगर जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन संग्राम का रूप ले लेगा। पहले देखिए राजधानी की एक रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली पेंशन को लेकर के लोग कहीं सड़क पे उतर रहे हैं, कहीं धरना स्थल पर। यहाँ पे आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे होंगे कर्मचारी प्रेरणा स्थल पर जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कर्मचारी उतरे हुए हैं, अपनी समस्याओं को शासन तक के पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन अनदेखा कर रहा है। अभी देखते हैं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के, उनका क्या कहना है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से पहले जो पुरानी पेंशन हम लोगों को मिलती थी वो समाप्त कर दी गई। 13-14 साल बीतने के बाद भी आज जो एनपीएस इन्होंने लागू किया है उसको देखने से स्पष्ट होता है कि वो कर्मचारियों के साथ धोखा है। कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। सरकार गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि रिटायरमेंट से हमें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमारी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों की, अधिकारियों की मांग है कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी थी उसको बहाल किया जाए। उसी को लेकर के आज प्रदेश के सभी 75 जिलों के जनपद मुख्यालय पर कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी आज धरने पर हैं। तो कितने कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है? आज पूरे प्रदेश के लगभग अधिकांश कर्मचारी, शिक्षक आज धरने पर हैं। 28 तारीख को मशाल जुलूस का कार्यक्रम है सभी जनपद मुख्यालयों पर। उसके बाद भी सरकार यदि नहीं चेतती है तो 6 फरवरी से पूरे प्रदेश का कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी वर्ग हड़ताल पर जाएगा। तो क्या पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आप लोग 2019 के चुनाव में भी जवाब देंगे? नहीं, अभी आंदोलन है। अब 6 फरवरी से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल पर जाने के बाद सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी तो हमारा दृष्टिकोण दूसरा होगा। बहाल नहीं करके दमन करेगी तो दूसरा होगा। तो निर्णय तो सरकार के व्यवहार पर निर्भर करेगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के संगठन के पदाधिकारी और लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, जिससे काफ़ी आक्रोशित है कर्मचारी। अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं राजधानी हजरतगंज में। इसी के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारा नारा है तो देखा आपने कि किस तरह से सारे शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 28 जनवरी और 31 जनवरी तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन संग्राम का रूप ले लेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का भी दावा कर रहे हैं सभी कर्मचारी।